टाइम पहले आप बता रहे थे आपने अडानी ग्रुप के शेयर्स को प्लस किया है, वो अभी भी है ना आपके पोर्टफोलियो में, बेचे तो नहीं? और दूसरा, क्या वापस आप एवरेज करोगे, कुछ और माल लोगे अडानी ग्रुप का? अब तो काफ़ी समय हो गया रिपोर्ट आए, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सारी चीज़ें पता ही लग गई हैं। जी, मैं बोलूंगा नहीं कि ग्रुप स्पेसिफिक है कि नहीं, कि हमारे पास है स्टॉक और हमने ऐड भी किया है। सो इनफैक्ट हमारा वेट वापस एक कंफर्ट लेवल तक आ गया जो हमें चाहिए था, तो वैसा है। तो वहां पे प्लस दूसरा एक्चुअली आप देखिए, अगर इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली एक जो कंपनी है जो 40% कंटेनर ट्रैफिक कंट्रोल करती है कंट्री का, 25% पोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करती है कंट्री का, तो वो एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब सा है वो कंपनी का, जो जो ऑब्वियसली ग्रो करेगा इसके साथ। और दूसरा इसलिए हमें तो काफी कंफर्ट है वहां पे। और दूसरा जो हमारे पास था वो एक सीमेंट प्ले था उनका, जो एक्चुअली उन्होंने एक्वायर किया था। तो यही दो कंपनियां हमारे पास, सो एंड वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। बताइए दिनशो, कि ये एक बॉम्ब आउट एरिया है पूरा, केमिकल्स थोड़ा ग्लोबल सेंट्रिक भी है, भयंकर तरीके से डाउनग्रेड आ रहे हैं गाइडेंस को लेके वगैरह वगैरह, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। क्या आप उस एरिया में वैल्यू हंटिंग करेंगे या आप रिसर्च कर रहे हैं? और क्योंकि ये एक कंप्लीटली अनलव्ड हिस्सा बन गया है बाजार का। जी, हमें एक्चुअली पहले भी इतना पसंद नहीं था, क्योंकि देखा क्या क्या हो क्या रहा था वो सेक्टर में, ये था कि चाइना मूव आउट कर रहा था और इंडिया बेनिफिट कर रहा था फ्रॉम दैट। चाइना मूव आउट कर रहा था बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, ESG के लिए वो मूव आउट कर रहे थे, एंड इंडियन कंपनीज वर ट्राइंग टू कैप्चर दैट एंड एनवायरमेंट अनफ्रेंडली अपॉर्चुनिटी जो थी वो कैप्चर कर। तो हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था वैसे भी, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये वैल्यूएशन भी ग्लोबली कोई प्लेयर इसको इतनी ध्यान से नहीं देखेगा, और वही हुआ एक्चुअली। डोमेस्टिक प्ले ही, डोमेस्टिक वाले ही जो थे इन्वेस्टर वो ज्यादा बुलिश थे इस सेक्टर में। हमारे पास बहरहाल एक ही स्टॉक है, और वो भी हमने इसलिए लिया था क्योंकि वो ग्रीन गैसेस में है और दूसरा पैकेजिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए हमें वो रखा है। लेकिन वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे भी पैसे कमाए, पर वहां पे भी। और एक्चुअली हमें लगता नहीं कि हम आगे चल के भी ये सेक्टर अभी देखेंगे इतने ध्यान से, बिकॉज एनीवे चाइना वापस घुस रहा है इस सेक्टर में, तो इट्स फायदा नहीं है, फिर से वही जो स्टोरी है सेम पैन आउट हो जाएगी। तो ये स्पेस आपको कम पसंद आता है दिनशॉ, ऐसे कौन से और स्पेसेस हैं जिसे आप अभी भी अवॉइड करना चाहेंगे? जी, IT एक डेफिनेट स्पेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम दूर काफी टाइम से एक्चुअली परे हैं, और अभी भी हमें लग रहा है कि परे ही रहना अच्छा रहेगा। आपने देख लिया जो IT कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे, काफी डिसअपॉइंटिंग थे। एक आध कंपनी थी जिसने अच्छा किया था और मार्केट ने भी उसको अच्छी तरह वो किया, मतलब प्राइस बढ़े उनके, लेकिन जो खराब किए उनके तो भाव आपने देख ही लिए। और हमें तो यही लग रहा है कि एक्चुअली आगे चल के भी हमें नहीं लगता कि जो ये बीच में वापस रैली आई थी थोड़ी बहुत, वो होप ट्रेड ही था और वो फिजल आउट हो गया। और यही लग रहा है कि लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्ली US में रेट कट आना चालू हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक, पर हमें लगता नहीं है कि वो होगा। हमें तो लगता है कि मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वही, यही उनको या तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या स्टैंड उतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हद तक वापस ऊपर आ रहा है आस्ते आस्ते। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम IT इवन नाउ। और वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए, प्री कोविड के हिसाब से अभी भी काफी प्रीमियम पे घूम रहे हैं, इसलिए हमें, और एक्चुअली ग्रोथ रेट जो है वो प्री कोविड से आधी हो गई है, तो इसलिए तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दिनशो, अब अर्निंग्स ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुई हैं, बट आगे वाले अर्निंग्स में आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं? यानी कि अगले 2 क्वार्टर किसकी अर्निंग्स को आप ज़्यादा क्रिटिकली वॉच करेंगे, फिर फैसला लेंगे कि हाँ अब ठीक है या अब खराब है? जी, अर्निंग्स तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी आई है, मिक्स बैग है, जहाँ पे अच्छी है वहाँ पे अच्छी है, लेकिन जहाँ खराब थी वहाँ काफी खराब हुई है अर्निंग्स। तो हमें तो एक्चुअली लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अर्निंग्स का इश्यू इतना नहीं होगा जितना वैल्यूएशन का होगा। वैल्यूएशन में अगेन जैसे पॉकेट्स हैं, जहाँ पे लाइक FMCG में तो काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच थे, इसलिए हमें वो तो अवॉइडेबल लग रहे हैं। और हमें लगता भी नहीं है कि आगे चल के भी इस स्पेस में ज्यादा ग्रोथ आएगी टू जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। दूसरा काफी पेंट्स का सेक्टर है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि अगेन ये रिजल्ट आपने देख ही लिए मेजर्स के, डेकोरेटर्स में इतना ग्रोथ नहीं आया था जितना इंडस्ट्रियल में आया था, इंडस्ट्रियल में मार्जिन नहीं होता है,
डेकोरेटिव मार्केट होता है, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ और अभी तो क्रूड वापस ऊपर जा रहा है। तो ये दूसरा है जो अवॉइडेबल एरिया है जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे अवॉइड करें। बहरहाल एक्चुअली अगर जो आप देखें जब भी ऐसे जीडीपी मूव होते हैं, और बाय द वे इंडिया चाइना के बाद ऐसा ही एक इकोनॉमी होगा जो इतनी साइज वाला ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी देगा सबको टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ, और इसलिए हमें इतना कंफर्ट है यहाँ पे। और जब ये ग्रोथ आती है तो मेनली कंजम्पशन से आती है, और वो भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से आती है, और दूसरा फाइनेंशियल जो होते हैं वो जो स्पेंड होता है डिस्क्रिशनरी का केपेस का उनको फंड करते हैं, तो उस इन दोनों सेक्टर से आती है। तो ये दो सेक्टर तो हमारे कोर रहेंगे आगे चल के, और इसीलिए हम काफी कंफर्टेबल हैं। आप अपने कोर सेक्टर्स पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। शुक्रिया दिन।